some blue. Every mile lost, my soul renewed. Taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing. Good morning, dosto. आपका स्वागत है आपके चैनल कूल हम सफ़र में। मोटी बैठी अंदर, वहाँ बैठिए। और हम लोग खा रहे हैं नाश्ता। ऑलमोस्ट टाइम हो गया 10:15। सो आज लेट हो गया नाश्ते खाने में, और लेट उठना हुआ। तो आज नाश्ते में थोड़ा स्पेशल है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि भैया और आए थे, और हमने नाश्ते में इडली खाई थी। वो इडली खाने का मेरा मन कर रहा था, दिखाता हूँ वो इडली। तो ये है जिसे प्लेट इडली बोलते हैं, टट्टे इडली भी बोलते हैं। ये दो वड़े, चटनी, रेड चटनी, चाय। चलो भैया। सो अवॉइड कर रहे मोटी वीडियो माने के लिए। अच्छा, मैं भूल गया, बीइंग अ फूड व्लॉगर, और जो कुछ भी हम खा रहे दिखाते हैं हम। एक मिनट पहले टीवी थोड़ा स्लो कर देता हूँ, वहाँ से कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो इडली देखिए, बहुत ही सॉफ्ट होती है इडली, देखो कितना आराम टूटती है। अब इसका फर्स्ट बाइट लेते हैं, ये व्हाइट चटनी। हाँ, जन्नत। दूसरा बाइट इसका, अब आएगा रेड चटनी। हाँ, ये टमाटो चटनी बोलते हैं। ऑसम। अब आती है वड़े की बारी। वड़ा, मुड़ी वड़ा किस चीज़ का होता है, दाल का होता है? जो लास्ट टाइम खाया था संडे को, सेम है। ओके, सो ये मधुर वड़ा बोल रही मोटी, उसको ज़्यादा खाने की नॉलेज है। खाता हूँ चटनी का, रेड चटनी का। ये देखिए, बाहर से पूरा क्रिस्पी पर, अंदर हल्का सॉफ्ट है, पर आप दिख रहा होगा। जैसे आप मट्ठी खाते हो दिल्ली में ना, नॉर्थ इंडियन होंगे आपको मालूम होगा मट्ठी क्या होती है। मट्ठी ज़रा बाहर से क्रिस्पी है, अंदर थोड़ा सॉफ्ट है। तो मैं करता हूँ खाना जो है, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल कूल हम सफर में। और आज का ज्ञान का सेगमेंट में आज मैं ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो लेडीज़ हैं और जो वर्किंग वुमेन हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द मैटरनिटी लीव। सो मैटरनिटी लीव क्या होती है, कितनी कौन इसके लिए एलिजिबल है और कितने पीरियड के लिए मिलती है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है आपके लिए अगर आप वर्किंग है और एंड सेकेंडली आप वुमेन हो। पहले जो पेड मैटरनिटी लीव होती है 12 वीक की होती है, जो बढ़ा के अब 26 वीक हो चुकी है। कौन सी वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए एलिजिबल होती है, उसका जवाब है कोई भी कंपनी जिसमें 10 एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो उस कंपनी में जो भी वुमेन्स काम कर रही होगी वो मैटरनिटी लीव के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, शी कैन टेक द लीव। अब नॉर्मली पहले क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलता है ओनली दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट टू चाइल्ड्स के लिए होता था, बट अगर आपका तीसरा बच्चा भी है होने वाला, अगर यू ऑलरेडी हैव टू चाइल्ड एंड यू वांट टू गेट द बेनिफिट फॉर द थर्ड चाइल्ड, तो उसके लिए आपको सिर्फ 12 वीक का ही बेनिफिट मिलेगा, वो आपका 26 वीक का नहीं मिलेगा। अब आता है कि फर्स्ट क्राइटेरिया आपका पास होता है, जैसे सपोज आपने आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ जो है 10 एम्प्लॉय ज़्यादा की है, तो सेकंड क्राइटेरिया आता है कि कौन कौन अप्लीकेबल है। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो क्या आपको वो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा या नहीं। ना इसका होता है कि आपने लास्ट 1 ईयर में आपके 80 डेज वर्किंग कवर होने चाहिए, तभी वो आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड द पेरेंटल लीव होती है दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 6 वीक टू 8 वीक। अगर 3 महीने तक का बच्चा भी कोई अडॉप्ट करते हो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द 12 वीक का आपको लीव का बेनिफिट मिलेगा। 12 वीक का आपको छुट्टी मिल सकती है फ्रॉम योर कंपनी। अगर कोई अडॉप्ट आप कोई चाइल्ड कर रहे हो और उस बच्चे की उम्र 3 महीने से कम है या 3 महीने की है, तो आपको 12 वीक का बेनिफिट मिल सकता है छुट्टी का पेड लीव। आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज आपका इन लाइक प्रेगनेंसी के दौरान या आपका मैच्योरिटी के दौरान इफ यू विल फेस एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन एनी लाइक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, तो वो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट पेड लीव का मिल सकता है। सो ओवरऑल जो इसमें मेरे पॉइंट्स आए हैं, फर्स्ट कि हु इज एलिजिबल फॉर द टेकिंग बेनिफिट ऑफ द मैटरनिटी लीव, सेकंड आए कौन सी कंपनी में हो सकता है, थर्ड मैंने इसमें बताया आपको कि इनका आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो लीव एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है, फोर्थ इसमें आया है आपका बेनिफिट आया इफ यू विल अडॉप्ट एनी चाइल्ड। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे कूल हम सफर चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का ज्ञान जैसे सेगमेंट ये कंटिन्यू रहेगा। जो भी मुझे लगेगा कि आई शुड शेयर विद ऑल द माई व्यूवर्स, डेफिनेटली आई विल शेयर विद ऑल द पीपल। तो थैंक यू, बने रहिए और अपना ध्यान रखिए।